हिमाचल प्रदेश के परिवहन विभाग द्वारा निजी बस ऑपरेटरों के लिए लागू की गई नई शर्त का विरोध शुरू हो चुका है। दरअसल इस सरकारी फरमान के मुताबिक किसी भी बस को परमिट मिलने के 8 साल तक ही वह काम कर पाएगी, इसके बाद उसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पूर्व किसी भी बस को 12 साल तक चलने की अनुमति रही है और परिवहन विभाग से निजी बस ऑपरेटर लगातार इस अवधि को 15 साल किए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने यह नए आदेश निजी बस ऑपरेटर के लिए हैरान कर देने वाले हैं। आज बड़े कड़े शब्दों में हम ये निंदा करते हैं जो समाचार पत्रों के माध्यम से जो कल एक बैठक हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि लाखों रुपए में जो परमिट बेचे खरीदे जाते हैं उसके लिए जो है परमिट जमा ही कराने पड़ेंगे, स्थानांतर नहीं होंगे, ट्रांसफ़र नहीं होंगे। प्रदेश के निजी बस ऑपरेटर ने इस फैसले का पूरी जोर से विरोध किया है और सरकार को ये बता दिया है गलत है कि पिछले बड़े वर्षों से सालों साल पिछले 4, 5, 6 दशक से परमिट जो है बसों सहित ट्रांसफ़र होते हैं। और दूसरा जो हमारी बसों की रिप्लेसमेंट जब हमारी डिमांड थी 15 साल तक 12 से 15 को बढ़ाने की, वो षड्यंत्र के तहत जो 8 साल की हम उसका भी विरोध करते हैं। जब चैसी 10 से 11 लाख की थी तब न्यूनतम किराया भी 5 था, आज 38 से 40 लाख रुपए की है। हमारी डिमांड है कि हिमाचल प्रदेश में भी न्यूनतम किराया 15 रुपये होना चाहिए। पिछले 1.5 दशक से पंजाब में भी न्यूनतम किराया, हरियाणा में भी, उत्तराखंड में भी 12 रुपये है और हमारी स्थिति यह है कि हम सुलभ शौचालय से भी नीचे हैं। सुलभ शौचालय में भी 10 रुपये लगते हैं, 20 रुपये की चाय आती है, 10 रुपये का सिगरेट आता है, भिखारी भी 10 रुपये से नीचे नहीं मांगता। आज हम 35 लाख की बस लेके हमारा इतना बुरा शोषण है कि हम 5-5 रुपये मांगने के लिए बेबस हो चुके हैं। सरकार हमारी सुध ले, हम भी इस प्रदेश के नागरिक हैं और हमारी मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से विनम्र प्रार्थना है कि जो आला अधिकारी आपको विश्वास में लिए बिना ये गलत फैसले ले रहे हैं उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना चाहिए और आपकी इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई भी अहम फैसला नहीं होना चाहिए। और हमारा निवेदन है कि तत्काल जल्द से जल्द हमारी एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई जाए जिसमें ये ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको बैठ के निपटाया जाए। हम भी सरकार के साथ प्राकृतिक आपदा में 6 रुपये लीटर डीजल बढ़ने से 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति बस जो है अतिरिक्त वो जो है सहन कर रही है। हम भी इसलिए सहन कर रहे हैं कि उसका हमने सरकार को सहयोग किया है, तो हम भी स्वाभाविक तौर पे ये चाहते हैं जहां हमारे को कठिनाई आती है वहां सरकार भी एक कदम आगे बढ़ा के हमारे साथ काम करे। धन्यवाद।